भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन टीम इंडिया के विकेट कीपर ऋषभ पंत ने सुबह सुबह एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसने पूरे स्टेडियम को चौंका कर रख दिया। आपको बता दें, इंग्लैंड टीम के सामने टीम इंडिया ने 482 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसमें अश्विन ने शानदार शतक जड़कर इतिहास रचा। और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लिश टीम 53 रन पर अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन जब चौथे दिन 53 रन से आगे खेलने मैदान पर उतरी, जो रूट और डॉन लॉरेंस क्रीज पर थे, लेकिन मैच के 26वें ओवर में एक ऐसा वाक्या हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल गेंदबाजी पर थे रविचंद्रन अश्विन और सामने बल्लेबाजी पर थे डॉन लॉरेंस। अश्विन ने जैसे ही गेंद डाली, लॉरेंस ने आगे बढ़कर शॉट खेलना चाहा और विकेट के पीछे खड़े ऋषभ पंत ने हवा में उछलकर लॉरेंस के स्टंप उड़ा दिए। जिसने भी ये स्टंप देखा वो देखता रह गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ऋषभ पंत किस तरह से हवा में उछले और लॉरेंस के स्टंप उखाड़ कर रख दिए। लॉरेंस को समझ में भी नहीं आया कि उनके स्टंप कब उड़ गए। ऋषभ पंत का स्टंप देखकर सभी धोनी को याद करने लगे, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि किस तरह से सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ही इस तरह स्टंप उड़ाया करते थे। लेकिन आज पंत ने भी एक कर दिखाया कि वो भी धोनी से कम नहीं। तो आपको कैसा लगा ऋषभ पंत का स्टंप, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।